2014 के पहले महंगाई डायन हुआ करती थी 2014 के बाद महंगाई डार्लिंग हो गई है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महंगाई पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं चौतरफा सन्नाटा है और टीवी वाले किस तरीके से सरकार का बचाव कर रहे हैं आगे वीडियो में मैं इसकी जानकारी आपको दूंगा नमस्कार मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं दस्तक पुनीत कुमार सिंह पत्रकार हैं इन्होंने ट्वीट किया है देखिए गजब दोगलई है पाकिस्तान में टमाटर के दाम बढ़ने पर हाय तोबा करने वाली गोदी मीडिया भारत में टमाटर का दाम बढ़ने पर जहर बताने लगी है जहर देखिए अब आप स्क्रीनशॉट शॉट ही देख लीजिए 12 नवंबर 2019 को आज तक ने अपनी वेबसाइट पर खबर छापी थी क्या पाकिस्तान में टमाटर की कीमत जान कर उड़ जाएंगे आपके होश बिल्कुल महंगाई बढ़ रही है होश उड़ जाएंगे महंगाई टमाटर में आग लगी हुई है जाहिर सी बात है आम जनता के होश उड़ जाएंगे लेकिन कुछ दिनों पहले आज तक एक आर्टिकल लिखता है क्या है कभी जहर माना जाता था टमाटर जानिए पूरा इतिहास यानी टमाटर का यहाँ पर इतिहास बताया जा रहा है जब भारत में टमाटर की कीमत जो है सौ रुपये के पार पहुंच गई है और कहा जा रहा है टमाटर जो है कभी जहर हुआ करता था आप लोग ना खाइए इसका मतलब यही है ना बढ़ते दाम की वजह से टमाटर चर्चा में है हर कोई जानना चाहता है आखिर कीमतें कब सामान्य होंगी बड़ा सवाल है लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो टमाटर हमारी थाली का जरूरी हिस्सा बन चुका है उसे कभी जहर बताया जाता था इनडायरेक्ट तौर पे ये बताया जा रहा है कि आप लोग टमाटर मत खाइए और एक शब्द भी आप टमाटर को लेकर के मत बोलिए टमाटर की उत्पत्ति कहाँ से हुई माना जाता है लाखों साल पहले दक्षिण अमेरिका में आलू तंबाकू और मिर्ची के साथ ही टमाटर की फसल उगी थी इतिहास बताया जा रहा है डीजल पेट्रोल हर चीज़ के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं सिलेंडर के दाम कहाँ पहुँच गए सब्जियों के दामों में आग लगी हुई है आप देख लीजिए अरहर के का जो दाल है क्या रेट है उसका इसके अलावा तमाम जो चीज़ें हैं खाने पीने वाली चीज़ें हैं दूध हो सभी के दामों में आग लगी हुई है हर रोज़ रेट बढ़ते जा रहे हैं लेकिन सरकार महंगाई का मां नहीं बोल पा रही है मैं आपको याद दिला देता हूं तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता सांसद मंत्री विधायक देख रहे हैं आपको मैं बता दूं 2013-14 में नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो कहा जाता था बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार 14 में पीएम बन गए नरेंद्र मोदी साल 2019 में दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए लेकिन महंगाई का मां जो है नरेंद्र मोदी नहीं बोल पा रहे हैं जब रसोई गैस के दाम बढ़ते थे तो केंद्रीय मंत्री ईरानी जी सड़कों पर आ जाती थी जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब के मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह बोला जाता था मनमोहन सिंह और इसके अलावा उन्हें चूड़ियाँ भेजी जाती थी लेकिन ईरानी जी इसके साथ ही आज तक वालों सुनो 2014 के बाद कितनी महंगाई बढ़ी है आंकड़ा कोई है पत्रकारिता आप लोग कर रहे हैं या आप लोग कोई और काम कर रहे हैं इतिहास तो आपको पता टमाटर का लेकिन आप लोग ये नहीं बता रहे हैं कि वास्तव में अभी का इतिहास क्या है कल का इतिहास क्या है और जो आने वाला कल है उसका इतिहास क्या होगा कि टमाटर कल लोगों के घरों में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा गरीब व्यक्ति जो है वो कैसे चटनी खाएगा चटनी में भी टमाटर पड़ता है साहब टमाटर के बिना कुछ संभव ही नहीं है आप दाल ले लीजिए दाल में अगर तड़का लगाना है तो उसमें भी टमाटर डाला जाता है सब्जी हो उसमें भी टमाटर डाला जाता है लेकिन गरीब जनता एक सौ बीस रुपये एक सौ तीस किलो टमाटर कैसे ख़रीदेगी और बड़े ही बेशर्मी के साथ निर्लज्जता के साथ टमाटर का इतिहास बताया जा रहा है क्या आज तक वालों की हिम्मत है उनके पास इतनी हिम्मत है कि वे लोग आम जनता के पास जाएं, सब्ज़ी मंडी में जाएं और वहां से रिपोर्ट करें कि वास्तव में टमाटर के दामों में आग लगी है या नहीं लगी है मैं तो कह रहा हूं टमाटर के दामों में आग लग गई है और जब बकरीद के पहले तमाम जो राइट विंग के लोग थे वे लोग कह रहे थे कि देखिए साहब टमाटर के दाम इसलिए बढ़ा दिए गए हैं तमाम जो मुसलमान भाई हैं ये लोग बकरीद के मौके पर टमाटर का प्रयोग ना करने पाए अरे भैया अब तो बकरीद भी खत्म हो गई है कम से कम अब टमाटर का दाम घटा दीजिए लेकिन नहीं घटाया जा रहा है और अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर चलता हूँ कुछ साल पहले संसद में देश की संसद में किस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि मैं तो लहसुन और प्याज खाती नहीं दाम अगर बढ़ते हैं तो बढ़ने दो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है अरे मैडम आप नहीं खाती ना देश की जनता तो खाती है लेकिन दिक्कत यही है कि आज का जो सोशल मीडिया है जो व्हाट्सअप इंडस्ट्री है दरअसल उसमें जो मैसेज आ जाते हैं और तमाम लोग जो भक्त लोग हैं वे लोग उसी मैसेज को आगे ढकेलने काम करते हैं बढ़ाते रहते हैं बढ़ाते रहते बढ़ाते रहते हैं और चाय की रेहड़ी पर बैठे चाचा जी घर में बैठी चाची जी ये लोग जो है कि उसी महसूस बढ़ते हैं और बड़े खुश होते हैं देखिए बकरीद के मौके पर किस तरीके से टमाटर के दाम बढ़ा दिए गए और अलग अलग जो है तर्क दिए जा रहे हैं लेकिन महंगाई के घटेगी बड़ा सवाल ही है सरकार चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रही है सरकार चुप क्यों है चुप्पी क्यों साधे हुए हैं ये भी सवाल है बताइए मोदी जी मेरा सवाल आपसे है मैं आपके आंख में आंख डालकर सवाल पूछ रहा हूँ 2013-14 में यानी जब आप प्रधानमंत्री देश के नहीं बने थे आप ही ने तो कहा था साहब कि महंगाई भ्रष्टाचार बेरोजगारी भुखमरी जो भी देश की समस्याएं हैं अगर उन सब पर लगाम लगाना है तो आप बीजेपी को वोट कीजिए आप जाइए भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है कमल उसके सामने वाला बटन दबाइए वोट जो है वो सीधे आपको मिलेगा और आप देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश का भला हो जाएगा आज देश की जनता पूछ रही है मोदी जी टमाटर दस रुपये किलो कब मिलेंगे मोदी जी बताइए टमाटर पाँच रुपये किलो कब मिलेंगे गरीब जनता कह रही है बताइए मोदी जी हमारी थाली में दस रुपये किलो के हिसाब से टमाटर कब आएंगे कब हम लोग जा उस समय कब आएगा जब हम लोग पचास रुपये सौ रुपये ले के जाएंगे और बाजार बाज़ार से एक झोला भर करके सब्जी लेकर के आएंगे वक्त कब आएगा लेकिन आप जवाब नहीं देंगे क्योंकि आपके पास भी तमाम तर्क है लेकिन आप देखिए वही जो है कि सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड आई इनका ट्वीट आया है इन्होंने एक जुलाई को ट्वीट किया है राष्ट्रवादी संगठन की खाल ओढ़कर राजनीतिक दल की गुलामी करने वाले कायरों के समूह का नाम है आरएसएस मणिपुर पर एक शब्द नहीं चीन पर एक शब्द नहीं महंगाई पर एक शब्द नहीं देश के किसी भी पीड़ित वर्ग के प्रति कोई सहानुभूति नहीं तो क्या आर सिर्फ आरक्षण विरोधी बयान देने के लिए है और वहीं देखिए आप तमाम जो बीजेपी के लोग थे कांग्रेस में हज़ारों बुराइयां खोज रहे थे लेकिन क्या आपको पता है राजस्थान में गैस सिलेंडर के दाम क्या है जाकर पता कर लीजिए छत्तीसगढ़ में गैस सिलेंडर के दाम क्या है जाकर के पता कर लीजिए आपको पता चल जाएगा महंगाई को कौन बढ़ावा दे रहा है और वो कौन सी सरकारें हैं राज्य सरकारें हैं जो महंगाई को रोकने का काम कर रही हैं आप जहां से आते मुझे पता है कि आपको गैस सिलेंडर हजार रुपए के ऊपर मिल रहा होगा जहां से मैं आता हूं वहां पर गैस सिलेंडर के दाम ग्यारह सौ चौहत्तर रुपए है साहब लेकिन हो क्या रहा है कि कांग्रेस शासित राज्य ऐसे हैं जहां पर गैस सिलेंडर महज पांच सौ रुपए में उपलब्ध कराई जा रही है आधे से कम रेट पर लगभग पैंतालीस से पचास फीसदी पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराई जा रही है तो महंगाई का मां क्यों नहीं बोल रहे मोदी जी शायद आपको बोलना चाहिए और मुझे भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुखर होकर के सड़क पर नहीं आ पा रही है और केंद्र की सरकार को नहीं घेर पा रही है इसीलिए महंगाई आसमान लगातार छू रही है चौतरफा सन्नाटा पसरा हुआ है और वैसे मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आप जिस टीवी को देखते हैं जिस अखबार को पढ़ते हैं दरअसल वो और अखबार आपकी खबर आपकी आवाज़ कभी नहीं उठाएगा आपकी खबर कभी नहीं छापेगा क्यों क्योंकि मनु मीडिया है वहाँ पर तमाम जो लोग संपादक बने हुए हैं हो सकता है कोई रिपोर्टर एस सी एस टी ओ बी सी का हो सकता है लेकिन जो डिसीजन मेकर है जो डिसीज़न लेता है छापना क्या है टी पर चलाना क्या है किस पर बहस करनी है किस पर बहस नहीं करनी है पैनल शामिल करना है पैनल किसको शामिल नहीं करना है ये वही लोग फैसले लेते हैं और जब जा कर के आप उनकी जात पता करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इसीलिए महंगाई का माँ कोई नहीं बोल पा रहा है ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है उसमें भी टीवी मीडिया का अखबार का अहम रोल है या फिर नहीं आप लोग अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा धन्यवाद नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं फिर आइकन की घंटी दबाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें